Click on subscribe button and bell icon to never miss an update from CBR. Hello friends, welcome to CBR. So friends, in this video we are going to discuss about the experiment of charging and discharging of a capacitor. So first of all, let us look at the setup. So friends, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एमीटर है, यहाँ पे वोल्टमीटर है, यहाँ पे हमारे पास इसका पावर सप्लाई है, ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये आउटपुट एंड इनपुट सॉकेट, और ये हमारे पास चार्ज और डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं हमें, ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, और ये हमारे पास एक डंपी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो आता है कि डंपी का, जैसे कि हम चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर की यहाँ से, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा जो चार्ज होता है ना वो स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में, और उसके बाद हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो ज़्यादा पूरा चार्ज रिमूव नहीं होता, थोड़ा चार्ज कैपेसिटर में रहता है, तो उस वजह से हम उसको डंप करते हैं ताकि जो ओवरऑल चार्ज जो स्टोर हो पूरा जीरो हो जाए। देखते हैं कि इसको इसके सर्किट में हमें कनेक्शन करने कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर हम एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर के नेगेटिव को इसके नेगेटिव से, फिर हम इन तीनों में से कोई सा भी रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे R1 ले लिया है तो हम यहाँ पे R1 को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे स्पेस से। फिर हम इसके जो ये वाला वायर था इसका सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे इसके यहाँ पे हमारे पास तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों कैपेसिटर में से कोई से भी कैपेसिटर को चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे C1 को चूज किया है, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है, उसको हम वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर के नेगेटिव को यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी हैव टू डू द कनेक्शन। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले और थ्योरी पार्ट हमने यूज की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग का फॉर्मूला दिया गया है, जो कि हमारे पास वोल्टेज की फॉर्म में दिया गया है, और इसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि जब T=RC हो जाता है तो वो टाउ के बराबर हो जाता है, जो कि हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, और उस समय वोल्टेज की जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 0.632 ऑफ V0। V0 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला दिया गया है, डिस्चार्जिंग हमारे पास ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो V दे रखा है, जब T=RC=tau हो जाएगा तो V=0.638। हम देखते हैं कि हमें V0 कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट को, इसके जब आउटपुट का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पावर को ऑन कर देंगे, इससे हमारे पास जो V0 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास है कि हमें इस सर्किट को कैसे परफॉर्म, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम जो हमारे पास है जो डंप की है इसको सबसे पहले हम ऑन करेंगे, ताकि जो भी स्टोर्ड कैपेसिटर में चार्ज होता है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम इसे ऑफ कर देंगे, फिर हम यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे वोल्टेज की, हम इसमें कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो वोल्टमीटर है इसमें जो इंडिकेटर है वो बढ़ता जा रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, पहले यहाँ पे 0 पे था, फिर वो धीरे 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 करके यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब हम सेम यहाँ पे डिस्चार्ज वाले को क्लिक को, डिस्चार्ज वाले बटन को क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो नीचे डाउन होने लगेगी धीरे धीरे करके, वो 0 के आसपास पहुंच जाएगी, कम्प्लीटली 0 नहीं होगा। देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी कैसे है। हमारे पास यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दो अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे टाइम इन सेकंड है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम इन सेकंड है। तो जैसे कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था कि यहाँ पे हमारे पास जब मैं इसको चार्ज करूँगा तो यहाँ पे ये हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, तो हम इसको हर टाइम इंटरवल पे नोट कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास कब 4 वोल्ट हुआ, कब 5 वोल्ट हुआ, कब 6 वोल्ट हुआ, ऐसे कर करके हम इसको पूरा के पूरा नोट करेंगे स्टॉप वॉच की हेल्प से। और सिमिलरली हम इसी डिस्चार्जिंग के केस में हम इसको स्टॉप वॉच की हेल्प से इसको कम्प्लीटली नोट करेंगे कि कब हमारे पास कितने टाइम इंटरवल पे हमारे पास ये जो डिस्चार्ज, हमने इसका टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें हमारे पास वैल्यू हमने जब तब ली थी जब हमारे पास C1 था, और यहाँ पे हमने जब R1 को चूज़ किया था, R1 हमारे पास है 10 की है, और C1 जो है हमारे पास 1000 माइक्रो फेराड है।
उससे हमारे पास जो टाइम इन सेकेंड आया वो ये वाला हमारे पास वैल्यू आई। इससे हमने आर एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि टाओ के बराबर होती है, जिसके हमारे पास 10 आई, 10,000 माइक्रोफेराड इंटू 10K, उससे हमारे पास वैल्यू आएगी 10। और उसके बाद हमने टाइम कैलकुलेट किया जो कि हमने बाय स्टॉप वॉच से जब हमने इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए दोनों के लिए हमने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट किया। और हम इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास चार्जिंग का ग्राफ है और ये हमारे पास डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। वी नॉट हमारे पास जो आती है वो आती है मैक्सिमम वोल्टेज, और यहाँ पे हमारे वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है। इन दोनों को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे जो टाइम टाओ आएगा वो हमारे कैलकुलेटेड टाइम के जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था उसके बराबर आएगा। फ्रेंड्स सिमिलर वे में हम यहाँ पे जैसे कि हमने अभी तो आर वन और यहाँ पे सी वन कैलकुलेट किया था, ऐसे हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना के हम मिनिमम 3 रीडिंग्स हमें लेनी होती है तो हम वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में हम जैसे कि आर टू और सी वन का ले सकते हैं, आर टू सी टू का, मतलब इस तरह से हम इसकी कॉम्बिनेशन बना के ऐसी सिमिलर वे में रीडिंग ले सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और वैल्यू देख चेक कर लेंगे कि टाओ की। तो आप जानेंगे कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सी बेयर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग सी बी आर।